शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। दिल लगाओ मगर बहारों से नहीं, दिल लगाओ मगर बहारों से नहीं, इश्क करो लेकिन सितारों से नहीं। वैसे तुम इंजीनियर अच्छे हो। शायर नहीं। मैडम मैं शायरी नहीं कर रहा था, मुझे तो अपने इस दिल से शिकायत है कि इस कंबकत का पूरी दुनिया में दिल आया भी तो सबसे चमकते हुए सितारे पर। अब आप इतनी बड़ी एक्ट्रेस है कि मुझे टाइम ही नहीं देती। क्या किया जाए, अब एक हफ्ते में मेरी शादी है और उसी में बिजी हूँ मैं। मेरे होने वाले पति थे। हाय। ये सुनने के बाद ऐसा लगता है कि शायद मैंने इस दुनिया में जन्म ही तुम्हारा पति बनने के लिए लिया। वैसे माँ मुंह फुलाकर बैठी हैं। तुमने शादी के बारे में बताने से मना किया ना हम दोनों की। घटिया लड़की, गंदी फिल्मों में काम करती है, पूरे समाज को खराब कर रही है। I'm sorry. तुम तो जानते हो ना कि अगर मीडिया में पता चलेगा कि हमारी शादी होने वाली है तो बहुत लोग आ जाएंगे और ये मीडिया में बात फैल जाएगी। मतलब मैं नहीं चाहती कि हमारी शादी की बात किसी को पता चले, बस एक सिंपल सी शादी हो मंदिर में। अब मैं तुमको अपना लहंगा दिखाऊं? हाँ दिखाओ ना। वेट, हाँ एक मिनट। ये देखो। वाओ यार, तो बहुत सुंदर लग रहा है। माँ देखो ना, काजल का लहंगा कितना सुंदर लग रहा है। ये तो सच में बहुत सुंदर लग रहा है। अच्छा सुनो, पहन के दिखाओ ना। अरे नहीं नहीं, शादी से पहले अगर होने वाला पति दुल्हन को शादी के जोड़े में देख ले तो अपशगुन होता है। ठीक है माँ, मैं रखती हूँ। ठीक है बेटा, खुश रहो। हो गई तेरी बात तेरी सास से? सास से? देखो अपने पिया से फुर्सत मिले फिर तो। चुप, बदमाश कहेंगी। अरे माँ, मैं माँ को अपना लहंगा दिखा रही थी तो निमिष ये चाह रहा था कि मैं ये जोड़ा पहन कर दिखाऊं, तो माँ ने बोला कि शादी से पहले ये पहनना थोड़ा सा अपशगुन होता है। सही तो कह रही थी निमिष की माँ, और मैं नहीं चाहती मेरी बेटी की शादी में कोई भी बाधा आए। घटिया लड़की, गंदी फिल्मों में काम करती है, पूरे समाज को खराब कर रही है। तुझे क्या हुआ? कब तक अपनी पुरानी यादों में उलझी रहेगी तुम? हाँ दी, अब जो बुरा होना था वो हो चुका है, अब कुछ नहीं होगा। आपने तो हमारी पूरी लाइव वीडियो ही खराब कर दी। लाइव वीडियो?
मम्मा आपने ना क्राइम वीडियो को कॉमेडी वीडियो बना दी। तेरे को ज्यादा मार तो नहीं पड़ी ना? तुम दोनों पागल हो क्या? एक माँ के लिए इससे कुछ बुरा नहीं हो सकता कि अपनी बेटी की लाश देखे, मुझे हार्ट अटैक आ जाता तो? सॉरी माँ। माँ, दीदी अपना टीवी शो छोड़ के मुंबई से लखनऊ चली आई अपने शादी के चक्कर में, और वहाँ प्रोड्यूसर ने पूरी कहानी ही चेंज कर दी, और दीदी टीवी पे भी नहीं दिख रही है। तो हमने सोचा क्यों ना लाइव वीडियो लाकर इसके फैंस को एंटरटेन किया जाए। तुम दोनों का पागलपन ना मुझे नहीं समझ आता। मैं जा रही हूँ सोने। वीडियो दिखा। दी, आप इस शादी से खुश तो हो ना? हाँ, पर तू ऐसे क्यों पूछ रही? क्योंकि मुझे पता है आप पीयूष से प्यार करती हैं। मैं पीयूष से प्यार करती थी, पर वो मेरी किस्मत में ही नहीं था। मेरी किस्मत में निमिष है, और जब से मैं निमिष से मिली हूँ ना, मुझे प्यार का मतलब पता चला, और निमिष मेरा आज है और पीयूष मेरा गुजरा हुआ कल था। तो गुजरे हुए कल को भुला देना चाहिए ना। हाँ दी, शादी के बाद ससुराल में खुद का ख्याल रखना, वहाँ माँ नहीं होगी जबरदस्ती बालों में तेल लगाने के लिए। अरे, इस घर को देख के लग रहा है कि ये शादी वाला घर है, कोई डांस ही नहीं कर रहा है। उठो यार दीदी, उठो, चलो डांस करते हैं। एक मिनट, मैं गाना लगा के आती हूँ। आप भी करो, चलो आज डांस करते। अंजलि, पीयूष, तुम दोनों यहाँ? तो तूने अपनी शादी में किसी को नहीं बुलाया, मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड को नहीं बुला सकती क्या? कांग्रेचुलेशन। क्यों, हम दोनों को इतना पराया कर दिया कि इनवाइट करना भी जरूरी नहीं समझा? अरे ऐसा नहीं है बाबा। हाय। हाय। कभी लगा नहीं था इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। तू मुंबई निकल गई और ये दोनों भी गायब हो गए, कुछ दिन पहले यहाँ शिफ्ट हुए, फिर पता चला शादी भी कर ली। और नहीं तो क्या आंटी, हम तीनों ने साथ में थिएटर किया था, लेकिन ये मैडम तो इतनी बड़ी सुपरस्टार बन गई। हम दोनों ने सोचा कि हम दोनों एक दूसरे की लाइफ में लीड कर लेते हैं। तू ना चल, मुझे तुझसे बहुत सारी बातें करनी है। मैं सबके लिए चाय बना के आती हूँ। हाँ, अच्छा अब बता, तो उस अपने पागल फैन की वजह से किसी को नहीं बुला रही है ना? ऐसा नहीं है, मतलब लोग आएंगे, फिर मीडिया को पता चलेगा और भीड़ हो जाएगी। मुझे ना बस एक सिंपल सी शादी करनी है। झूठ मत बोल मुझसे, वो पागल आदमी पहले भी तेरी दो बार शादी तुड़वा चुका है, भगवान ना करे कि इस बार भी वो ऐसा ही कुछ कर दे। OMG, ये लहंगा तो बहुत सुंदर है,
प्लीज ट्राई करना। अभी मन नहीं है। प्लीज 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 बाबा एक बार प्लीज करना। अच्छा लगे। ओके मैं तेरा बाहर वेट कर रही हूँ, जल्दी से चेंज करके आओ। लग रही है तू। मेरी लाडो है ही इतनी सुंदर। आपको पता है आंटी, जब हम लोग थिएटर में थे ना, तो मैं ना पूरा पीयूष पे लट्टू थी, और पीयूष मियां वो तो हमारी काजल पे लट्टू थे, और काजल वो तो फुल टू अपने करियर को लेके फोकस थी आंटी। मेरी भी है इतनी फोकस। वो तो है, तभी मुझे मेरा प्यार पीयूष मिल गया, और काजल को उसका प्यार उसका काम मिल गया। लेकिन आपको पता है आंटी, हमारे पीयूष मियां ना काजल के ही फैन बन के रह गए। क्या अंजलि, तुम कुछ भी बोलती हो। एनीवेज आप लोग बात कीजिए, मुझे ऑफिस का कुछ काम है। ले आया दिल मजबूर क्या कीजिए, तुम मेरी नहीं तो किसी की नहीं काज। नहीं दो दिन पहले नहीं, तुम्हें कम से कम 15 दिन पहले आने पड़ेगा। तुम्हारे ममेरी बहन की शादी है, देखना मेरी बेटी की शादी मैं बहुत धूमधाम से करूंगी, पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। रखती हूँ अब। हाँ जी, तुमने न्यूज देखी, चारों तरफ तुम्हारी ही न्यूज चल रही है। काजल शर्मा is getting married to Atul Singh। और पता है दी, सब पागल हो गए हैं। देखो सब तुम्हारे ऊपर रील बना रहे हैं। दिखा काजल शर्मा के आउटफिट ये वो। हाँ शोभा, ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बकवास करने की? क्या हुआ माँ? शोभा बहुत बकवास कर रही है तुम्हारे बारे में। कि ये न्यूज वायरल हो रही है कि तुम गंदी फिल्मों में काम करती हो, और काम पाने के लिए प्रोड्यूसर्स के साथ। दी, 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 तुम्हारी फोटो वायरल हो रही है, वो भी बिना कपड़ों के। दिखा माई, मेरी फोटो नहीं है माँ। माई किसी ने मेरी फोटो को मॉक किया है।
मैं कसम खा के बोल रही हूँ कि मेरी फोटो नहीं है वहाँ। अरे आप कुछ नहीं कर सकते का क्या मतलब है? बाहर मेरी इमेज खराब हो रही है, आप मेरी पीआर एजेंट है ना, मेरी इमेज को बनाए रखना आपके हाथों में है। मैं आपसे हजार बार बोल चुकी हूँ कि वो मेरी फोटोज नहीं है, किसी ने फोटोशॉप करी है। हाँ बहन जी, नहीं बहन जी आप ऐसा नहीं कर सकती। मैंने बोला आपसे मेरी बेटी ने कोई गंदी फिल्म नहीं की, ना उसका कोई भी संबंध है किसी भी प्रोड्यूसर से। आप शादी नहीं तोड़ सकती। अतुल की फैमिली ने तेरी और अतुल की शादी तोड़ दी। फिल्मों में काम करती है, पूरी समाज को खराब कर रही है। ठीक बेटा, बेटा तू ठीक तो है? कौन थे वो लोग? गई ये लड़की। अरे हम सब बाहर कितनी मस्ती कर रहे थे, अचानक से अंदर क्यों आ गई तू ऐसे? क्या हुआ, इतना परेशान क्यों हो रही है तू? मुझे बहुत डर लग रहा है अंजलि। चार साल पहले जो मेरे साथ हुआ था, अगर वो फिर से हुआ तो मां से नहीं कर पाई। उनको इतनी मुश्किल से इस नर्क से निकाला था, अगर उनको कुछ हो गया तो। किसी को कुछ नहीं होगा। क्यों इतना परेशान हो रही है तू? और इस बार तो तेरी शादी के बारे में किसी को कुछ नहीं पता है, कैसे कुछ होगा? परेशान मत हो, हाँ कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं मुझे कोई इकोनॉमिकल पैकेज नहीं चाहिए, मेरी बेटी की स्किन बहुत सेंसिटिव है। नहीं देखिए, मेकअप बहुत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए और जो डिजाइन बनेगा मेहंदी का वो भी नया होना चाहिए। आप बस बुकिंग ले लो। हेलो, आई एम सॉरी बट आप ये बुकिंग कैंसिल कर दीजिए। क्या करिए, बुकिंग तो करने दे, काम खत्म हो जाएगा। मम्मा मैंने आपसे कहा था ना कि शादी में कोई नहीं आना चाहिए। अरे कोई कहाँ आ रहा है, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई जानने वाला नहीं। बता मेकअप नहीं लगेगा क्या, मेहंदी नहीं लगेगी? आंटी आप क्यों इतना टेंशन ले रही हो, मैं हूं ना, मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी है और इसका मेकअप भी होगा, मेहंदी भी लगेगी और हल्दी भी। अब बिल्कुल परेशान मत होइए। थैंक यू। तुझे ससुराल में प्यार ही प्यार दे। मैं हाथ धुल के आती हूँ। बस, 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 बस। अरे आंटी ऐसे कैसे, हमारी दुल्हन का कलर भी तो निखरना चाहिए। जा नहा ले। माँ घर में तो पानी ही नहीं आ रहा है। हाँ
पूरे दिन ऐसे बैठूं? अरे तो क्या हो गया, मेरे घर चल के नहा ले। चल चल। ये रहा बाथरूम, ये टॉवल और शैम्पू और साबुन तुझे बाथरूम में मिल जाएगा। ती किसी का साबुन और टॉवल यूज नहीं करती। हाँ हाँ, तेरी दी बहुत बड़ी सुपरस्टार है ना। अब जाइए प्रिंसेस, नहा लीजिए। पानी पूरी। ए, गोलगप्पे वाला आया है बाहर, खाएगी? हाँ? चल, मेरे लिए पैक करवा के लाना। ओहो, हमारी प्रिंसेस गोलगप्पे भी खाती है। ले आऊंगी ले आऊंगी। हाँ जी, तो फाइल मैं आपको कल सुबह तक पहुंचा दूंगा। या ओके, या थैंक यू। हाय। हाय। तुमसे तो कभी बात ही नहीं हो पाई। कुछ था ही नहीं ऐसा बात करने के लिए। By God, इससे अच्छे गोलगप्पे कोई नहीं बना सकता। ये ले, तेरे लिए भी लाई हूँ। आजा, आप जल्दी से खा ले। जल्दी से आ जा, फिर आज तेरे संगीत में धूम मचाना है। आ ले जल्दी से। हाँ हाँ बिल्कुल, तो देखने में इतने टेस्टी लग रहे हैं। सवेरे कुछ नहीं खाया है, ये ले जूस पी ले। बहुत मिस कर रहा हूँ तुम्हें, कितना वेट और करना होगा। अरे जीजू, मेरी दीदी इतने जल्दी जाने वाली नहीं है, आप एक काम करो, आप भगा ले जाओ। बदमाश कहीं। मुझे भी। तुम्हें बहुत जल्दी हो रही है शादी करने की। मैडम, कभी आईने में खुद को देखा है फुर्सत से? जिसकी होने वाली बीवी इतनी खूबसूरत हो, उसे शादी की जल्दी भी ना हो। जब एक साल पहले मैंने तुम्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा था ना, तो मैंने सोचा भी नहीं था कि एक साल बाद मेरी तुमसे शादी हो रही होगी। ज्यादा ही नहीं हो रहा है। मैं रखती हूँ फोन। बाय बाय। अंजलि के बाथरूम का वीडियो है ना, वीडियो मेरा पीयूष ने बनाया। नहीं पहचाना तुमने, तुम्हें तुम्हारा अधूरा प्यार पुकार रहा है। तुम्हें मुझसे मिलने आना पड़ेगा अभी। ये सब सही नहीं हो रहा।
काजल, काजल क्या हुआ तुम्हें? काजल कहाँ थी तू? तेरी शादी में हम लोग इतनी मस्ती कर रहे, तू भी गायब थी। पता नहीं, मेरा ना सर फटा जा रहा था। क्या हुआ बेटा? तुझे तो बुखार है बेटा, आजा यहाँ बैठ, बैठ इधर, रुक जा मैं दवाई लेके आती हूँ। हाँ ठीक है, तू कहाँ चली गई थी? पता नहीं, सर में दर्द हो रहा बहुत तेज। बेटा देखो कौन आया तुमसे मिलने। आंटी अपना बिल्कुल परेशान मत हो, ये ना मुझे पास बुलाने के लिए ड्रामे करती है। अब मैं आ गया हूँ ना, देखना एकदम ठीक हो जाएगी। साली साहिबा आप मुझे बताओ किचन का है, मैं अपनी मैडम के लिए ना एक बढ़िया सा सूप बना के लाता हूँ। बेटा तुम रहने दो, मैं बना कर लाती। सासू माँ शादी के बाद तो आपकी बेटी के नखरे मुझे ही उठाने हैं, तो अभी से प्रैक्टिस हो जाएगी। आप बैठिए मैं बनाकर लाता हूँ। बस बस अब बताओ कि बात क्या है? पता नहीं बुखार कैसे आ गया। नहीं तुम जानती हो, जब भी तुम बहुत ज्यादा परेशान होती हो ना तभी तुम्हें ऐसे अचानक बुखार आता। सच बताओ बात क्या है काजल? क्या वो सब ठीक तो है ना? मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, मैं इसे खोना नहीं चाहती। मैं और मेरा प्यार हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, दुनिया की कोई भी चीज हमें अलग नहीं कर सकती। सच बताओ बात क्या है? कुछ नहीं। कहाँ है तू? इतनी देर हो गई अभी तक आया नहीं? कुछ नहीं माँ, वो ऑफिस में थोड़ा लेट नाइट तक पार्टी है तो थोड़ा लेट होगा, मैं सुबह तक आ जाऊंगा। ठीक है चल अपना ख्याल रखना। हाँ ठीक है। माँ से झूठ बोलने की क्या जरूरत है? माँ को अगर बता देता कि तुम्हारी तबीयत खराब है तो खामखा परेशान हो जाती, इसीलिए नहीं बताया। हेलो मैडम, जो आपके बेटे की शादी होने वाली है। लेकिन शादी के पहले से ही बेटा जुड़ का गरम हो गया, होने वाली बीवी अभी से ही उसे झूठ बुला रही है, आगे जाने क्या होगा। कौन बोल रहा है? हेलो कौन बोल रहे हो आप? हेलो वाह, अब तो अपनी माँ से झूठ भी बोलने लगा। शादी हुई भी नहीं और अपनी माँ को पराया कर दिया। माँ ऐसा कुछ नहीं है, वो काजल को बहुत तेज बुखार हो गया था, मैं आपको बताता तो आप खामखा परेशान होते। क्या हुआ बेटा, तू ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ, अब बस वो थोड़ा सा बुखार हो गया था। तुम लोग भी कमाल करते हो, कम से कम बता तो देते। हा? सोचो मुझे कैसा लगेगा कोई अनजान आदमी मुझे फोन करके ये कहे कि मेरा बेटा मुझसे झूठ बोल रहा है। आपको किसने किया फोन? पता नहीं कौन था, अजीब सी आवाज थी। पर प्लीज आइंदा जो भी हो मुझे सच सच बता दिया करो, मैं नहीं चाहती कि दुनिया समाज मुझे ताने दे।
I'm sorry, माँ. मैं अभी ठीक हूँ, तुम घर चले जाओ. हाँ जीजू, वैसे भी परसों आपकी शादी है, उसके बाद तो आपको ही दीदी का ख्याल रखना है. ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना. चल बेटा, नमस्ते बहन जी. किसने किया होगा बहन जी को फोन? मेरा दिल तो बहुत घबरा रहा है, कहीं वो सब फिर से ना हो जाए. अरे माँ, आप कामों का परेशान हो रही हैं. ऐसा कुछ भी नहीं है, वो दीदी का कोई फैन होगा पागल सा. अब कुछ बुरा नहीं होगा. कल दीदी की मेहंदी है और परसों दीदी फिर. चलो अभी सोते हैं, चलो ये सब खत्म करो, आओ. कितनी सुंदर लग रही है तुम, और मेहंदी दिखाओ, कितनी गहरी जची है मेहंदी. लगता है निमी जी बहुत प्यार करते हैं तुमसे. मैं एक मिनट में आई. अरे कहाँ जा रही है? तो शादीशुदा मर्दों के साथ भी मुंह काला करने लगी हो. मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझा और तुमने इतनी घटिया हरकत की. कि तुम क्या कह रही हो काजल? क्या किया है मैंने? क्या किया है तुमने? एक मिनट, ये देखो. इतनी घटिया मैसेज भेज के मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो. 4 साल पहले जब मेरी शादी टूटी थी, उसके पीछे भी तुम्हारा ही हाथ था ना? ये सब गलत है काजल, मैंने तुम्हें ये मैसेजेस नहीं किए हैं. इनफैक्ट मुझे तो तुम्हारे नंबर से कुछ दिनों से मैसेजेस आ रहे हैं. तुम्हें खोकर मैंने जाना है कि प्यार क्या है. अब तुम मुझे कभी नहीं मिल सकते पीयूष, लेकिन कम से कम तुम वो बात तो कह सकते हो ना जो हमारे बीच अधूरी रह गई थी. मुझे वो शाम चाहिए, वो बात चाहिए, सब कुछ वैसे. काजल, तुम जानती हो मेरे दिल में क्या है, तुम्हारे दिल में क्या है, वो भी मुझसे छुपा नहीं है. तुम सिर्फ मेरी बेस्ट फ्रेंड ही नहीं, बल्कि उससे बहुत बढ़कर हो. मैं ये जिंदगी सिर्फ तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ काजल. रुक जाओ पीयूष, आई डोंट लव यू. मैं तुमसे प्यार नहीं करती. काजल, काजल, आई नो यू लव मी. मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार करती हो. समझने की कोशिश करो पीयूष, अंजलि मेरी बेस्ट फ्रेंड है और वो तुमसे प्यार करती है. मैं उससे उसका प्यार नहीं छीन सकती. तो तुम उसकी वजह से मुझे ठुकरा दोगी? पीयूष, अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ भी है ना, प्लीज उसे अपना लो, प्लीज. तुमने मुझे मैसेज किया था कि तुम्हें वो रात वापस चाहिए. जो बात हमारे बीच अधूरी रह गई थी वो सुनना चाहती थी तुम, इसीलिए तो मैंने घर तुम्हारे लिए सजाया था. लेकिन तुम आते ही बेहोश हो गई, शायद थकान के कारण हुई होगी. काजल, तुम्हें मुझसे ये शाम चाहिए थी, मैंने तुम्हें दे दी. लेकिन सच तो ये है कि अब मैं सिर्फ और सिर्फ अंजलि से प्यार करता हूँ. वो पत्नी है मेरी, और दुनिया में कोई भी प्यार पति पत्नी के प्यार से बड़ा नहीं होता.
काजल, काजल तुम ठीक हो? तुम इतने घटिया आदमी हो सकते हो, मैंने सोचा भी नहीं था। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ बोल रहा हूं? ये देखो, ये मैसेजेस तुमने किए मुझे, अब तो तुम्हें सबूत भी मिल गया। और ये खेल खेल रहे हैं? मेरी वीडियो जो तुम्हारे वॉशरूम में बनाई गई थी, अगर तुम कह रहे हो कि तुमने वो वीडियो नहीं बनाई, तो फिर किसने वो वीडियो बनाई? और मुझे आज किसी ने मैसेज भी किया। किसने किया वो मैसेज मुझे? फिर मैंने। मैंने ही तुम्हारे मोबाइल से पीयूष को मैसेजेस किए थे। मैंने ही तुम्हारे जूस में नशे की दवा मिलाई थी। बस आंटी के हाथों भिजवा दिया था जूस। तुम्हें क्या लगा कि तुम मेरे लिए अपने प्यार की कुर्बानी देकर महान बन जाओगी? मुझे क्या मिला? ये सेकंड हैंड माल? क्या कह रही हो तुम? सच बोल रही हूँ मैं काजल। जब जब मैं पीयूष के पास जाती हूँ ना, मैं जानती हूँ वो सिर्फ मुझ में तुम्हें ढूंढने की कोशिश करता है। अंजलि प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे ये नहीं पता तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं काजल से नफरत करती हूँ। हम दोनों साथ में थिएटर में थे ना, मैं तुमसे ज्यादा सुंदर दिखती हूँ, तुमसे अच्छी एक्ट्रेस हूँ मैं, लेकिन तुम्हें सब कुछ क्यों मिला? और मुझे क्या मिला? बस एक हाउसवाइफ बन के रह गई। मुझे भी चाहिए सक्सेस, पैसा, फेम, एवरीथिंग। जो कुछ भी तुम्हें मिला है ना काजल, वो सब मुझे चाहिए। तुम जलन में पागल हो गई अंजलि। तुम दोनों ने अभी मेरा पागलपन देखा ही कहा। अगर मैं एक्ट्रेस नहीं बन पाई ना काजल, तो तुम्हें भी अपनी गृहस्थी नहीं बसाने दूंगी। तुम्हें याद है वो पागल फैन जिसने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी थी? वो कोई और नहीं, मैं थी। आज फिर तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। मैंने तुमको अपना बेस्ट फ्रेंड समझा, तुम तो किसी रिश्ते के भी काबिल नहीं हो। तो बाहर से कहां से आ रही है? तो बाहर गई थी? शादी के दिन लड़की ने बाहर जाना अपशगुन होता है बेटा। अब कोई अपशगुन नहीं होगा मां। काजल की इतनी हिम्मत कि उसने मुझे थप्पड़ मारा, उसे तो मैं आप बताती हूं। हेलो, खबर हरपल न्यूज, एक न्यूज देनी थी। हाँ जीजू, कितने देर में मंदिर पहुंचेंगे आप लोग? हाँ हम लोग भी बस पहुंच ही रहे हैं। एक काम करती हूँ, दीदी को भी बता देती हूँ।
काजल ये पिक्चर तुमने वायरल किए ना? हाँ, दुनिया भूल गई थी कि काजल बिना कपड़ों में कैसी दिखती है, तो मैंने तुम्हारी और काजल के साथ की कुछ फोटोज न्यूज चैनल में दी थी। बस मॉफ करके दोनों के कपड़े हटा दिए। अब तक तो पूरी दुनिया देख चुकी होगी कि एक शादीशुदा मर्द के साथ में कैसे वो हमबिस्तर हो रही है। जानती हूँ कि झूठ है, लेकिन लोगों को सच और झूठ से क्या लेना देना, उन्हें तो बस मसाला चाहिए। और काजल ने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए? तुम्हारी दोस्ती के लिए उसने अपना प्यार कुर्बान कर दिया, लेकिन तुम न किसी की दोस्ती के लायक हो और न किसी रिश्ते के, और किसी की हमदर्दी के लायक तो बिल्कुल भी नहीं हो। ठीक, अरे नीलिमा जी का फोन है, शायद मंदिर पहुंच गई होंगी। जी बहन जी, हमने आपकी बेटी की हर बात मानी। उसने कहा शादी में कोई नहीं आएगा, हमने वो भी माना। उसने कहा कि गुपचुप तरीके से शादी होगी, हम उसके लिए भी तैयार थे। बात क्या है बहन जी? पिछली बार हमने सुना था कि किसी ने गलत बात कही है काजल के बारे में ऑनलाइन आकर। सबने कहा झूठ है, चलो माना झूठ है, लेकिन आंखों देखी बात पर कौन विश्वास ना करे। मेरे पास फोटोज आई है आपकी बेटी की, वो शादीशुदा मर्दों के साथ सो रही है। ऐसी लड़की को मैं अपने घर की बहू कभी नहीं बना सकती। बहन जी, शादी तोड़ दी उसने। माँ, ये शादी कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है कि जब चाहे हाँ कर दिया, जब चाहे रिश्ता तोड़ दिया। उस लड़की ने ना तुझे अपने पल्लू से बांध लिया है। बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, इसीलिए तू शादी करने के लिए मरा जा रहा है ना। सुन मेरी बात, घटिया लड़की है वो, उसने हमसे अपनी काली करतूतें छुपाई हैं। माँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं उससे शादी इसलिए नहीं करना चाहता कि वो बहुत बड़ी एक्ट्रेस है। मैं उससे शादी इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। और माँ, मैंने काजल जैसी दिल वाली लड़की आज तक नहीं देखी माँ, और वो घटिया नहीं है। उसने पीयूष और अपने रिश्ते के बारे में मुझे बहुत पहले बता दिया था, और ये भी बताया था कि अंजलि कैसे उसकी जिंदगी बर्बाद कर रही है। माँ, मैं काजल से प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी जरूर करूंगा। अरे निमिष, अरे सुन तो। I'm really sorry. माँ ने आपसे जो कुछ भी कहा उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। नहीं बेटा, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। ये शादी जरूर होगी और आज ही होगी। काजल कहाँ है? अपने कमरे में। आप लोग तैयारी कीजिए, मैं उसे अभी लेकर आता हूँ।
काजल, काजल, काजल क्या हुआ तुम्हें? काजल, काजल है, तुमने क्या किया? काजल मुझसे बात करो, काजल। काजल क्या किया तुमने? क्या हुआ काजल को? तुम्हें नहीं पता क्या हुआ? काजल ने मुझे सब बता दिया था। कैसे तुमने उसकी जिंदगी खराब कर दी? निमिष सच कह रहा है, अंजलि तुम्हारी वजह से काजल ने अपनी जान ली है। शर्म आती है मुझे तुम पे, तुम्हारी जिद और जलन ने काजल की जान ले ली और हम सब की जिंदगी बर्बाद हो गई। प्रिया, अरेस्ट करो उसे और आप पोस्टमार्टम के लिए भेजो।